विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए जनपद फिरोजाबाद में एक बार फिर सदर विधायक मनीष असीजा के कर कमलों द्वारा करीब 60 करोड़ रुपए की परियोजना से विद्युत सुधार की योजना का शुभारंभ हुआ है। किस तरीके की योजना है, क्या क्या काम होने हैं, सीधे तौर पर भारत 24 के साथ इस समय मौजूद है सदर विधायक मनीष असीजा जी, उनसे जानेंगे कि सर किस तरीके का यह पूरी परियोजना है, किस तरीके से कार्य होना है। सर देखिए, ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय ए के शर्मा जी के कुशल निर्देशन में ये फिरोजाबाद में हम लोगों को 60 करोड़ रुपए की शहरी क्षेत्र के लिए विद्युत अवस्थापना को सुदृढ़ करना, इसका एनहेंसमेंट करना, इसको मजबूत करना, इसकी दृष्टि से ये काम होने जा रहा है। 3700 से ऊपर खंभे लगने वाले हैं, अनेक नए फीडर निकलने वाले हैं, 500 किलोमीटर के आसपास नई केबल डलने वाली है। दुर्घटनाओं से बचाव होगा, फॉल्ट से बचाव होगा। फॉल्ट की स्थिति में अगल बगल की जगह पर लोड डालने के कारण से जो ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग का शिकार होते हैं उससे बचाव होगा, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जनता को सुविधा देंगी, जनता को अच्छी बिजली देंगी, विद्युत विभाग का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा रेवेन्यू बढ़ेगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये रिवैम्प पार्ट वन की जो योजना है, इसके बाद पार्ट टू आना है। इसमें 3 बड़े बिजली घर बनने हैं, इसके अतिरिक्त 132 केवीए का एक बिजली घर जो लाइन पार क्षेत्र के लिए हमने भूमि प्रस्तावित करके शासन को भेज दी है, मैं लंबे समय से उसमें लगा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी फिरोजाबाद के देवतुल्य जनता के लिए अर्पित होगा। और आप सब लोगों ने आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से इसको संदेश को आगे बढ़ाने का जो काम करने वाला किया है, उसके लिए भी आपका। ये तारों के जाल जो देखने को मिलते थे, अब उनसे कैसे निजात मिलेगी और कैसे विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ होगी? देखिए, ये 500 किलोमीटर तार है, वो तार जब बदलेंगे तो अपने आप तारों के जाल हटेंगे। दूसरा, जो तारों के जाल थे उसमें होता क्या था, चुटिया में कट लग जाता था, अब ये आर्मर्ड केबल डाल रहे हैं तो तारों के जाल मैं समझता हूँ कि खत्म हो जाएंगे। सर हमसे बात करनी, तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक मनीष असीजा जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर जनपद फिरोजाबाद की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की परियोजना का आज यहाँ शुभारंभ हुआ है, और सीधे तौर पर तारों के जालों से मुक्ति मिलेगी। वहीं तमाम बिजली घरों की स्थापना की भी बात कही गई है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद विद्युत व्यवस्था किस तरीके से और अच्छी होती है और किस तरीके से नगरवासियों को विद्युत मिलती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी बातें कही गई हैं, और इस बड़े प्रोजेक्ट के बाद जनपद फिरोजाबाद वासियों को क्या सहूलियत मिलती है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।